वेलकम बैक व्यूअर्स, व्यूअर्स ब्रेक ते वञण खां अॻु में नौजवाननि सां असांजी पाणीअ जे हवाले सां जेके असां पाकिस्तान में तहक़ीक़ थी रही आहे या उन में केतिरी तहक़ीक़ वधीक थियण जी ज़रूरत आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हो। अचो त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। जी धनजीमल, तव्हां ॿुधायो, जीअं ॻाल्हि पिया कयो तव्हां पंहिंजे ॻोठ जी। हा, ॻोठ जी ॻाल्हि पिया कई त मतिलबु तव्हांखे ख़बर आहे थर्मी ॻोठ हुते आहे जिते पाणी डग वेल्स आहिनि, त ॻोठ हुते ई आहे। त पंज ॾह ॻोठ जेको आहे सो डग वेल्स हिकिड़ी जॻह ते हूंदा आहिनि, जंहिं साइड ते पाणी मिठो हूंदो आहे उते ई सभु डग वेल हूंदा आहिनि। त कुझु साल अॻु में जेको आहे सो उते असां महसूसु कयोसीं त माना जेको जून खां इहो मई खां वठी जून ताईं जेको आहे सो उते पाणी न हूंदो हुओ, तमामु घटिजी वेंदो हुओ। माण्हू जेको आहे सो राति ताईं वेहंदा हुआ पाणी गॾु करण जे लाइ। पर हींअर जेको आहे सो ॾिठो वियो आहे त माना उते पाणी अवेलेबल आहे। त हुननि छा कयो आहे त हुन पासे जेको पाणी जो लंघ हुयो पहिरें, त हू ॿाहिरीं साइड ते पाणी हलियो वेंदो हुओ। हींअर हुन पूरे ॻोठ जो पाणी जेका आहे लंघ ॾिनो वियो आहे हुन खूहनारे पासे ते। उते असां हींअर महसूसु कयो आहे त पाणी जेको आहे सो हींअर जून जुलाई में बि अवेलेबल हूंदो आहे, एतिरो जेको आहे सो वधीक शॉर्टेज नथी थिए। त मुंहिंजो इहो ई हूंदो त मतिलबु इहे ॿियनि ॻोठनि में बि ईअं जेकॾहिं करे त पाणी जेको आहे सो अवेलेबिलिटी वधाए सघिजे थी। अच्छा रुबाब, तव्हां ॿुधायो, तव्हां जंहिं मौज़ूअ ते रिसर्च वग़ैरह कयो पिया उहो मौज़ू कहिड़ो आहे ऐं उनजो असांजी सोसाइटी या असांजे समाज सां असांजे माण्हुनि सां कहिड़ो लिंक आहे, उन्हनि खे कहिड़ो फ़ाइदो थी सघे थो? सर, मुंहिंजो रिसर्च जो टॉपिक आहे हाइड्रो पावर पोटेंशियल सिंध जी कढण लाइ। ऐं सिंध में कॾहिं बि हाइड्रो पावर ते कमु नाहे थियो। पाण कीअं टर्बाइंस न लॻाया आहिनि, पाण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ॿिए कंहिं तरीक़े सां कोन कई आहे, सिर्फ़ु कन्वेंशनल मैथड सां कई आहे। त मुंहिंजी ऐं इन कन्वेंशनल मैथड्स जो नुक़सानु इहो आहे त पंहिंजी बिजली जो जेको पर यूनिट कॉस्ट आहे उहा वधीक आहे। ऐं सिंध में ऑलमोस्ट 4000 ॻोठ आहिनि जिन में इलेक्ट्रिसिटी न आहे अवेलेबल, ऐं इहो रेट इलाही वधीक आहे। ईअं न आहे त उते इलेक्ट्रिसिटी जी फैसिलिटीज़ अवेल न आहिनि, उते सभु कुझु अवेल आहे पर हू अफोर्ड नथा करे सघनि, इन लाइ हू पाण ई कटाए छॾी बिजली। ऐं इहा ॻाल्हि आऊं सिर्फ़ु हीअं न पई करियां, मूं ॿ टे विलेजिस सर्वे कया ऐं उन्हनि में मूं इहा ॾिठी, उन में मूं इहा कंडीशन ॾिठी। त इन शइ मूंखे इंस्पायर कयो हाइड्रो ॻोल्हण लाइ त वाक़ई में जेका ॻाल्हि असां करियूं था त असांजे सिंध में आहे कोन पोटेंशियल, न आहे हाइड्रो पावर जनरेशन जी, उहा सच ऐं कूड़। ऐं इन ॻाल्हि ते तहक़ीक़ बि करियां। जेकॾहिं मुंहिंजो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल थी वियो ऐं मूंखे फंडिंग मिली वई त इनशाला हिकु या ॿ विलेजिस में मुंहिंजी कोशिशि आहे त आउं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करियां जेका उते अवेलेबल न आहे। ऐं ईअं ई अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजे ख़्याल सां इरम बि एनर्जी ते ई कमु पई करे, पर उनजो थोरो नंढी लेवल ते कमु पर एनर्जी जनरेशन ते। छो जो असांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आहे ऐं पंहिंजो ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स कुझु ज़्यादा ई हाई पई वञनि, ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हीअ अलार्मिंग टाइम आहे त पाण खे हाणे कुझु एक्शन खणणु घुरिजे ऐं ग्रीन एनर्जी जी तरफ़ वञणु घुरिजे। अच्छा इरम, आपका कौन सा मौज़ू है, आपके सवाल से तहक़ीक़ करें और उसका हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा? मेरा प्रोजेक्ट एरिया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक है मेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स केमिकल फ्यूल सेल्स की तरह ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी वेस्ट वाटर से। तो ये होगा कि वेस्ट वाटर को माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स ट्रीट करेंगी और उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहेगी। मतलब वेस्ट वाटर से हम वेस्ट वाटर को हम ट्रीट भी कर रहे हैं, साथ साथ हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स है हमारे पाकिस्तान में और मोस्ट ऑफ कंट्रीज जिनमें एनर्जी क्राइसिस है, तो वहाँ पे जो एनर्जी कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो है ज़्यादा, वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। मतलब इतनी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तान जैसे ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी एनर्जी। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो मेथड्स है मतलब वो एफिशिएंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से। तो मेरा टॉपिक रिलेटेड है एफिशिएंट ट्रीटमेंट्स है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में हम लोग मतलब एनर्जी नहीं देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी कोई यूज़ नहीं होगी, बैक्टीरिया यूज़ होंगे वेस्ट वाटर में, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं वो वेस्ट वाटर को डिग्रेड करेंगे। जो डिग्रेड करेंगे वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक ज़्यादा ही एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। अब लैब स्केल पे भी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, लेकिन इसको अगर ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना, लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने में। तो मेरा भी एक एम ये है कि इसके जो पार्ट्स हैं जैसे एनोड्स यूज़ होते हैं फ्यूल सेल्स की तरह, तो उनकी कॉस्ट को कम करना और एनर्जी एफिशिएंट और चीपर कैथोड्स और इलेक्ट्रोड्स यूज़ करना है। तो आजकल मैं उस पर काम कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड्स की जो कॉस्ट है उसको कम करना और फिर वेस्ट वाटर को माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स से ट्रीट करना। सही, तव्हां ॿुधायो धन जी।
जो तहां जो मौजू आ रिसर्च जो मुझे रिसर्च जो मौजू यो है त नंगर पार्कर एरिया में जो सोसाइट्स गोलणा है जिते जिते पानी गड करी सके तो केतरो पानी गड करी सके तो केड़ी जगह ते तो यो सॉफ्टवेयर के जरिए जो असो कंदासी जैमें बरसात भी ऐसी तो उत उत जमीन भी ऐसी तो कड़ी जमीन है केतरो पानी गड कंदी केतरो वरी हेठ छी रिचार्ज थी तो इन हिसाब से अस साइडू जो सो गोल्दी अच्छा तहांजी जगह रिसर्च आए उन में एरियाज ता केड़ी केड़ी खायो ने थर पार्कर में नगर पार्कर आ हिली एरिया नगर पार्कर थर पार्कर मो गंज कोशिश पे कई पर हिली एरिया जो को सो नगर आ ते नगर ते जो को सो रिसर्च के अच्छा सही से अच्छा रुबाब ता बुधायो ता यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा खा थी आए हो एक सेमेस्टर ता ओते गुजारे हो त यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा जो ता जो की एक्सपीरियंस रहयो ओते ता लाइफ की डिठी ए हते वणण खा अग में तो मानो जो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हों यंगस्टर्स आए हो तो डेफिनेटली मानू जहाँ ड्रीम्स हूँ बाहर वही तालीम हासिल कर असाजे सिंध के हजारें बल्कि लखें जो नौजवान तालीम हासिल कहता उन्होंने केतर ही मानून जहाँ ये ड्रीम्स हैं यू आर लकी वन ऑफ दोज ती आया एक्सपीरियंसिस रहा उत जैसे इतना निकस तो ऑनेस्टली नर्वस हुई छोजो मुख्य कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हुई तो उत वही कुछ को अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है राइट मुख्य स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स सब सुट करणी अकेडमिक लेवल में मुख्य कुछ ज्यादा ही हाई करण ऑनेस्टली मुझे ऑलमोस्ट सब जी एक्सपेक्टेशंस पूरी थी व्यू अलहमदा इलाही खुश आँ विजिट में इनकरेज कस अज की जो जनरेशन है उन्होंने बहर जो एक्सपोजर वो जो इलाही जरूरी है पर्सनैलिटी सर उते असो कोर्स वर्क दिनों ठीक है उन्हें असके सब्जेक्ट पढ़ाई सब्जेक्ट की लेवल भी डिफरेंट हुई उते जो टीचिंग स्टाइल भी डिफरेंट हो उते जी टीचिंग स्टाइल इतने टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होने के कुछ असेंगे कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पी पर अल्टिमेटली अस उन्हें भी इलाही कुछ सीखो सर अस राइटिंग लैब हुई जैमें छोजो अस पांजी नेटिव इंग्लिश इंग्लिश कान लैंग्वेज तो पा यूजली जो स्ट्रगल कहना कम्युनिकेशन में राइटिंग में कहना तो उत एक्सपर्ट्स उते जा जेके आन उनन राइटिंग एक्सपर्ट्स जेके आन लिटरेचर वगैरह लिखंदा आन इंग्लिश में उनन असांके ट्रेन कयो तो राइट टेक्निकल राइटिंग की अगर लिखबी आ बी जेकर तां टेक्निकल राइटिंग के अलावा बी किस्म की राइटिंग ता लिखो तो उहा केड़ी कीअं लिखबी आ उने का पो इलाही सेमिनार्स थिया जिन असांके वाकिफ़ कयो तो उते केड़ा केड़ा मसला आन ओए मसला असांजे मसलन सा कीअं रेप्लिकेट ता कन जेकर रेप्लिकेट ता कन ता असां उनन जा सॉल्यूशंस कीअं ता कढी सघूं तो सेमिनार्स मोर लाइक थिंकिंग टैंक्स हुआ असांजे लाइ त मतलब थिंक करो तो सॉल्यूशंस कीअं कढंदा मतलब एडो कुछ उन्हें सिर्फ दिखाने लगा था हमारे रिसोर्स किए हैं ना मैनेज किए पे करूँ ताँ के वापस बनी मैनेज किए अच्छा इरम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ गर्ल आप बाहर गई वहाँ आपने जो है एक सेमेस्टर गुजारा तो आपका ओवरऑल कौन कौन सी चीज़ें आपने वहाँ पर सीखी जो हमसे यहाँ से डिफरेंट थी एज अ गर्ल आपको एक्सपीरियंस कैसा हुआ वहाँ पर यहाँ से जाने से पहले मुझे फ़ील हो रहा था कि लड़की हूँ मैं फिर वहाँ जाके मतलब कैसे मैनेज करूँगी सारी चीज़ें थोड़ा सा इस चीज़ का डर था मुझे लेकिन वहाँ पहुँचते ही मतलब फ़ील हुआ कि दे डोंट ट्रीट यू एज अ गर्ल और अ बॉय दे जस्ट फोकस करते हैं वो लोग कि एक बंदी बंदा है या बंदी है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो उससे ये हुआ कि चीज़ें आसान हो गई मतलब हम जो भी करते थे हम फील्ड पे जाते थे तो मुझे ये नहीं फील हुआ ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं लड़की हूँ मैं ये नहीं कर सकती हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग देते हैं कि आप जो भी हो लड़का हो लड़की हो आप कर सकते हो इनकरेज करते हैं तो वहाँ पे जाने जाते ही हम लोगों ने कोई 4-5 गोल्स सेट किए थे एकेडमिक लेवल पे नेटवर्किंग लेवल पे और रिसर्च लेवल पे तो माशाल्लाह हमने तकरीबन सारे गोल्स हमने अचीव किए थे एकेडमिक लेवल पे हम लोग का एक कोर्स वर्क होता था हम लोगों ने एक क्लास हम लोग अटेंड करते थे उसके अलावा रिसर्च पे मतलब यहाँ से जाने से पहले यहाँ वहाँ जाने से पहले मेरा रिसर्च लेवल पे जो जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ उसका मुझे मतलब लिटरली आइडिया नहीं था कोई कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँगी वहाँ जाने के बाद उनसे इंट्रेक्शन के बाद वहाँ पे जो जो मेंटोर्स हैं हमारे उन लोगों ने हमें इतना इतनी अच्छी तरह उन लोगों ने हमें ट्रेन किया कि अब मुझे मतलब मैं तो वो वाला काम तो कर ही रही हूँ लेकिन उसके साथ मुझे फर्दर आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि इसको मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ और कितना किस तरह बेहतर कर सकती हूँ तो रिसर्च के हवाले से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब्स वेल इक्विप्ड थे और वहाँ पर हर चीज़ मतलब आप
आइडिया लेके जाओ बस, और सारी चीज़ें आपको लैब में मैसर है, आप कर सकती हो, अपनी चीज़ें टेस्ट कर सकती हो। उसके अलावा नेटवर्किंग के हवाले से डिफरेंट वहाँ पे स्पीकर्स आते थे ग्लोबल लेवल पे, वोटर के इश्यूज़ पे वो बोलते थे। उससे हमें ये आइडिया हुआ कि यूटा भी मतलब सेम चीज़ें वोटर से रिलेटेड सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रही है जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो उससे मैंने गेन किया कि वो लोग कैसे अपने वोटर के इश्यूज़ को डील करते हैं, मतलब वो उनके तरीके और हमारे तरीकों में कितना डिफरेंस है। हमें रियलाइज़ हुआ वो लोग बहुत ही सीरियस उनका एटीट्यूड होता है हर चीज़ को लेके, तो उनका वाला बिहेवियर मतलब ये मोटिवेशन मुझे मिली कि पाकिस्तान में भी हम उसी तरह का बिहेवियर हम अपने अंदर भी लेके आएँ और उसी इन चीज़ों को सीरियस ले। और एज ए यूथ मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि अगर वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग भी इस तरह का एटीट्यूड रख सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ऐसे ही एडवांस कर सकते हैं और अपनी कंट्री को ऐसे ही फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, वक्त फिर ब्रेक का हो गया है। व्यूअर्स, असांजी पाणीअ जे हवाले सां ही जेके नौजवान अमेरिका जी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा मां एक्सपीरियंस गेन करे आया आहिनि, उन्हनि जो उतां जो छा एक्सपीरियंस रहियो आहे, इन हवाले सां असांजा जेके ॿिया नौजवान आहिनि, यंगस्टर्स आहिनि, सॼे मुल्क जा जेके असांजा यंगस्टर्स आहिनि, उन्हनि खे इंफॉर्मेशन ॾियण जी वधीक कोशिशि कंदासीं। पर हिन वक़्तु खां ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं।